Hi, what's up and welcome back to the channel. First of all, tell me, are you someone who believes in zodiac signs and astrology and, you know, things like that? I guess that's the reason you clicked on this video, first of all. And personally speaking, I believe in zodiac signs thoda thoda. Matlab kabhi acha likha hua hai to I believe in them, and kabhi acha nahi likha hua to what is this zodiac signs, kya hota hai ye, mera koi lena dena nahi hai inse. Ek cheez mujhe bahut hi interesting lagi ki jitne bhi zodiac signs hai wo ek dusre se bahut zyada different hote hain in terms of their taste and choices and preferences, be it in music, food or even the clothes that they wear. And वो मुझे इतना fun fact लगा, I was like कि मुझे भी सारे zodiac signs के accordingly dress up होना है. So आज हम वही करने वाले हैं, so let's get started. लेकिन मैं अपने zodiac के accordingly already dressed up हूँ, which is Capricorn. And according to this article, उसमें लिखा हुआ है कि जो Capricorn होते हैं ना, they love getting dressed up, but ऑलवेज इन कम्फर्ट. एंड जब मैंने पढ़ा ना, आई वाज लाइक या ये एक्चुअली में ट्रू है, बिकॉज अगर मैं अपने कम्फर्ट जोन से भी बाहर जाती हूँ ना, तो वो भी कम्फर्टेबल होना चाहिए. एंड आई गेस दिस लुक जस्टिफाइज दिस होल स्टेटमेंट. दिस इज कम्फर्टेबल, स्टाइलिश, ड्रेस्ड अप, एवरीथिंग. आई गेस आई हैव डन माई कैप्रिकॉर्न वन इन द बेस्ट वे. Okay, so next zodiac sign we have is Pisces, who according to this article dress up in a subtly sexy manner with a bit of whimsical flair. तो I guess sexy की तो हमें कोई problem ही नहीं है, क्योंकि हम पैदा ही sexy हुए हैं, just to put it out there. And whimsical flair में मैंने top and bottom दोनों में कुछ ना कुछ add करने की try की है ना, you know, fun and playful manner. तो इस top के ऊपर ऐसे ruffle flares बने हुए थे, so I was like this will look really cute and नहीं hot बनना है, hot लगेगा, cute नहीं लगेगा. And then these flare pants, love them so much. ये बहुत ज़्यादा पुराने Shein से लिए थे मैंने बहुत पहले, and इसमें बहुत ही मस्त play फुल फ्लेयर आ रहा था. आई गेस दिस इज गोइंग, एंड ऑब्वियसली यू कैन वेयर समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट टू बी मोर कंफर्टेबल, बट अगेन योर चॉइस, योर ज़ोडियक साइन, मैं कुछ नहीं कह रही. ओके, सो मूविंग ऑन, वी हैव एक्वेरियस. हाय ऑल द एक्वेरियंस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस, दे ड्रेस अप इन एन एक्सपेरिमेंटल वे एंड डजंट शाय अवे फ्रॉम बोल्ड कलर्स एंड प्रिंट्स. ओके, तो आई गेस मैंने इतने ज़्यादा कलर्स एंड प्रिंट्स एंड बोल्डनेस ला दिए इस लुक में कि मुझे लगता है कि कोई भी शायद हो ही जाएगा, नो मैटर कितने भी वो कॉन्फिडेंट हो. बट अगेन आई अप्रिशिएट कि अगर तुम इस लुक को बाहर पहन के जाना पसंद करोगे तो, बट दिस इज एक्चुअली फन एंड एवरीथिंग. बट मैंने ना कुछ ज़्यादा ही प्रिंट्स मिक्स कर दिए, लाइक पोल्का डॉट एंड नीचे फ्लोरल प्रिंट्स जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन जा रहा है. बट अगर तुम नहीं डरते एंड अगर तुम एक्वेरियस हो, तो तुम्हें ये अच्छा लगना चाहिए. फोर्सफुली like it. Okay, so next we have is Aries. Hi all the Arians, I don't know उन्हें क्या कहते हैं, but hi, what's up? Okay, so you all, according to this, मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि you all dress like you own a power suit, but also like athleisure side too. मतलब जो casual, comfy and street style वाली vibe होती है, मतलब basically अगर तुम office जा जा के थक गए हो and power suit के अलावा घर पे mostly you like athleisure वाले clothes, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली कुछ ड्रेसअप होने की ट्राई किया. अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ़ कर देना, बट इट्स रियली वेरी सिंपल एंड यू नो चिल लुक. मैंने नीचे जॉगर्स पहने हुए हैं, ऊपर एक डेनिम शर्ट जिसमें अगेन कॉलर्स है, तो थोड़ी सी यू नो पावर सूट के मतलब जो कॉलर, मतलब थोड़ी थोड़ी वाइब जा रही है, मतलब ठीक है. एंड दैट इज़ इट, आई गेस ये थोड़ा ऐसे सुपर मार्केट घूमने के लिए या बाहर घूमने एंड चिल करने के लिए भी अच्छा लुक है. अगर घर पर लोग भी आए हुए तो लाइक या यू कैन अटेंड देम लाइक Hi, let's have a drink. नहीं, moving on, next zodiac sign we're doing is Taurus, and they are not afraid to stand out from the crowd and clearly, मैंने बहुत ही ट्रेंडी लुक क्रिएट करा है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट अफ्रेड. सो आई हैव दिस क्रिस क्रॉस बहुत ही ट्रेंडी टॉप, एंड इसको मैंने फॉल लेदर पैंट्स के साथ स्टाइल करा है. एंड ये एक्चुअली में लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल और चिल लग रहा है, लाइक वाइब है बहुत ही मस्त. एंड आई गेस आई एम पार्टी रेडी या फिर कैजुअल रेडी, आई डोंट नो, इट्स समवेयर इन द मिडल, बट आई एम लाइकिंग द होल वाइब. सो नेक्स्ट वी हैव कैंसर, एंड दे टेक ऑन एनी अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप बट इज नेवर स्टफ. नीचे ये भी लिखा हुआ है कि कैंसर आर टू बी द मोस्ट ओवर ड्रेस पर्सन इन द रूम. तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने थोड़ा से ओवर ड्रेस बट स्टाइलिश और शीक मैनर में एक लुक क्रिएट किया है. इट्स लाइक अ नाइस कलरफुल लाइक मल्टी कलर टॉप गोइंग ऑन विथ टेनिस स्कर्ट. आई नेवर थॉट कि मैं इसको ऐसे स्टाइल करूँगी, बट नाउ दैट आई हैव डन इट, आई एम लाइकिंग इट. एंड मेरे से एक्चुअली में मन कर रहा है बाहर पहनने का, बट मुझे पता नहीं कि वो बस ये उम्मीदें ही रह जाती है मेरे दिल में, मुझे नहीं पता वो कब एक्चुअली में ट्रू होगा. बट राइट नाउ दिस लुक इज एक्चुअली नाइस, लाइक नॉट टू ओवर ड्रेस, बट
इसके कलर्स एंड प्रिंट्स की वजह से थोड़ा सा ओवरड्रेस लग रहा है, बट इन अ स्टाइलिश मैनर. ऑलवेज कीप इट स्टाइलिश, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज वर्गो, हु आर फंक्शनल एंड लेडी लाइक बट नेवर ओवर द टॉप. तो मैंने ये वाला लुक क्रिएट करने की ट्राई की है. ये थोड़ा सा लेडी लाइक शायद है, इवन दो मैं पब्लिक में तब भी ऐसे ही खड़े होने वाली हूँ, बट ठीक है. ये बहुत ही समरी लुक है, बट अभी विंटर्स आने वाले हैं यहाँ पे दिल्ली में, बट इट्स ओके. आई एम एक्चुअली लविंग दिस लुक. ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोई एंड फेमिनिन एंड लेडी लाइक है, बट मैं नहीं हूँ. ओके, सो देन वी हैव स्कॉर्पियो हु लिव्स इन अ स्टाइलिश यूनिफॉर्म. सो यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली, क्योंकि अभी मैं स्टाइल कर रही हूँ, तो इट्स लाइक अ क्लासिक वाइट शर्ट एंड लाइक ब्लू डेनिम, बट उसको थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए मैंने थोड़ी प्रिंटेड शर्ट ले ली एंड ब्लैक लाइक फेडेड डेनिम, एंड दिस इज लाइक मेरी स्टाइलिश वाली यूनिफॉर्म क्लासिक वे में. बट आई गेस ये जा रहा है, एंड ऐसे वाले लुक्स ना कॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. मैंने वाइट शूज़ भी स्टाइल करे हैं, ये बहुत ही स्टाइलिश एंड बहुत ही इजी ब्रीजी लग रहा है. प्लस मैंने ये सरोजनी से ली थी, बहुत ही ज़्यादा सस्ती, आई डोंट रिमेंबर, एंड बहुत पहले है, मेरे अभी तक काम आ रही है. सो हाँ, सी वी आर अगेन सेविंग मनी. Okay, so next we have Sagittarius who loves to wear timeless pieces with hints of femininity. वैसे मन्नी भी Sagittarius है, and actually में वो बहुत ही minimal, like उसका बहुत ही minimal wardrobe है, like वो black t-shirt and jeans, that is it. But यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा और feminine बनाने के लिए I'm wearing a white top and इसका थोड़ा ऐसे feminine सा, you know, neckline है. I actually love it. And मैंने इसको just beige pants के साथ style करा and ये इतना ज़्यादा elegant लग रहा है, and बिल्कुल मुझे model वाली vibes आ रही है, because यू नो ऐसे लाइक ऑफ मॉडल ड्यूटी लुक्स में वो बहुत ज़्यादा ऐसे वाले लुक्स कैरी करते हैं. सो या दिस इज वेरी सिंपल मिनिमल एंड एक्चुअली जस्टिफाई कर रहा है सैजिटेरियस को, सो लव इट. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव जेमिनाइज हु टेक्स फैशन रिस्क एंड लव टू स्विच इट अप. तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फैशन रिस्क लिया है, जो कि ये टॉप है, जो कि बिल्कुल ही बैकलेस है, नंगू है, एंड कुछ ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल नहीं रहा है. एंड नीचे मैंने इसके ब्लैक लेदर स्कर्ट के साथ यू नो स्विच इट अप किया है, थोड़ा डिफरेंट करने की ट्राई किया. अदरवाइज मैं एक पैंट से जॉगर्स पहनती हूं, ऊपर भी कुछ कवर अप, बट दिस इज द लुक विच आई हैव कम अप विद, एंड ये मुझे एक्चुअली में अच्छा लग रहा है. आई विश कि मैं जेमिनी होती, बट आई एम अ कैप्रिकॉर्न, बट मैं तब भी ये पहनूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता. सो नेक्स्ट वी हैव इज लिब्रा हु अप्रिशिएट्स टाइमलेस पीसेस विद अ मॉडर्न ट्विस्ट. तो टाइमलेस पीसेस में अगेन ईदर वाइट शर्ट और टॉप टी शर्ट या फिर बेसिक ब्लू जीन्स और पैंट्स, बट यहाँ पे मॉडर्न ट्विस्ट करने के लिए मैंने एक वाइट क्रॉप टॉप पहना है, एंड यहाँ पे टाई अप है कुछ फ्रंट में, तो ये बहुत ही कूल लग रहा है ऐसे फन के लिए. एंड नीचे पैंट्स में आई एम वेयरिंग दीज लूज फ्लेयर्ड एंड कलरफुल पैंट्स, बहुत ही मस्त मॉडर्न ट्विस्ट कंफर्टेबल वे में, बिकॉज मैंने नीचे शूज भी पहने हैं. आई ट्राई टू कीप इट यू नो चिल एंड बहुत ही ऐसे रिलैक्सिंग एंड सिंपल, एंड एक्चुअली मैं लग भी रहा है ऐसे बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है, कोई मुझे प्लीज घूमने लेके चले जाओ. सो दिस वन इज लियो, एंड आई गेस ये सबको पता है कि दे आर बिग रिस्क टेकर्स एंड इज ऑलवेज अप फॉर अ स्टाइल चैलेंज. आई फॉलो सो मैनी लियो इन्फ्लुएंसर्स एंड यू नो ब्लॉगर्स, एंड ये एक्चुअली में ट्रू है, उनके स्टाइल्स इतने ओवर द टॉप और स्टाइलिश होते हैं. तो मैंने थोड़ा सा ना अपने वे में थोड़ा सा रिस्क लेने की ट्राई की है, विच इज़ लाइक अ नियॉन टॉप. दिस इज़ नॉट माई स्टाइल, ये आई डोंट नो, लाइक अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया अपने कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए, बिकॉज बींग अ कैप्रिकॉर्न हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या लर्न किया था कि हम अपने कम्फर्ट जोन में रहते हैं, बट ये कलर थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मेरे लिए, तो इसको मैंने स्टाइल करने की ट्राई की एक बेसिक न्यूट्रल स्कर्ट के साथ, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, बट यही चैलेंज है, यही फन है और यही गेम है, एंड लियोज आर अप फॉर इट बिल्कुल ऐसे स्ट्रांगली एंड कॉन्फिडेंटली. सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. लेट मी नो कि कैसी लगी एंड विच लुक वॉज योर फेवरेट, एंड तुमने लाइक अपने अपने लुक अपने अपने जोडियक साइंस के अकॉर्डिंगली यू नो रिलेट कर पाए या नहीं, एंड वुड यू वेयर दीज स्टाइल्स और नॉट. आई नो सब मना करने वाले, बट आई हैड फन स्टाइलिंग them and dressing up in them. So if you had fun, like and subscribe, and I'll see you in my next one. Bye.